पाप दुनिया में प्रवेश करत बा। आदम औरी उनकर औरत परमेश्वर द्वारा उनकरी खातिर बनावल गईले उ सुंदर बगीचा में रहला से बहुत खुश रहले। उ लोगन में से केहू कपड़ा ना पहने तब पर भी इ बात से उ लोग के क्योंनो शर्मिंदगी ना रहे काहे से कि दुनिया में पाप ना रहे। उ लोग अक्सर बगीचा में टहलत करत रहले औरी परमेश्वर से बात करत रहले। लेकिन उ बगीचा में एगो कीड़ा रहे उ बहुत धोखेबाज रहे। उ औरत से पूछलस का सच में परमेश्वर तोह से ई बगीचा के क्योंनो भी पेड़ के फल खाए से मना कैले हवे। तब औरत जवाब दिहली परमेश्वर हमसे कहले बाड़े कि हम ओ भलाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ के अलावा केवनो भी पेड़ का फल खा सकत बाड़ा जा। परमेश्वर हमसे कहले बाड़े कि अगर तू ओ फल के खैबा जा या तो ओ के छुआबा जा तब तुहर लोग मर जैबा जा। उ कीड़ा औरत के जवाब दिहलस ये सही नहीं खे तू लोग ना मुआबा जा। परमेश्वर जानत बाड़न कि जसही तू लोग ओ फल के खैबा जा तू लोग परमेश्वर के बराबर हो जैबा जा औरी उनकरिये जैसे भलाई औरी बुराई के समझे लगबा जा। उ औरत देखली कि उ फल हमारी मन पसंद जोग और इस स्वाद में दिखाई देत बा। उ समझदार बनल चाहत रहली यही से उ फल के तोड़ के खा लिहली। फिर अपनी पति के जीवन उनकरी साथ में रहले उ फल के दिहली औरी उहो खा लिहले। एक बैग उ लोग के आँख खुल गईल औरी उ लोगन के ई मालूम भइल कि उ लोग नंगा भाड़े। उ लोग पतई के एक साथ सी के ओकर कपड़ा बना के उसे अपने शरीर के ढाके के कोशिश कैले। तब आदम औरी उनकर औरत ओ बगीचा में चलत फिरत के परमेश्वर का आवाज सुनाइल। ई दोनों जाना परमेश्वर से छिप गईले। तब परमेश्वर आदमी के आवाज लगैले तू कहाँ बाड़ा। आदम जवाब दिहले हम तोहके बगीचा में चलत फिरत क सुन लेनी ह औरी हम डेरा गईनी ह काहे से कि हम नंगा रहनी ह एहे से हम छिप गईल रहनी ह। फिर परमेश्वर पूछले तोहके के बतावल ह कि तू नंगा हुआ का तू उ फल के खैला हा का जेवना के ना खाए खातिर हम मना कैले रहनी हा। तब आदम जवाब दिहले तू जेवन हमके ई औरत देले रहला हा उ हमके उ फल खाए के देहली हा। तब परमेश्वर औरत से पूछले तू ई का कैलू हा। उ औरत कहली कीड़ा हमके धोखा दिहलस हा। परमेश्वर कीड़ा से कहले तोहरी पर श्राप पड़ी तू अपनी पेट के बल चलबा औरी माटी चटबा। तू औरी ई औरत एक दूसरा से घिनइबा जा औरी तुहार संतान औरी एकर संतान भी एक दूसरा से घिना करी हैं। औरत का पीढ़ी तोहरी सर के कुचली और तू एकर एड़ी के डसबा। तब परमेश्वर औरत से कहले हम तोहरी संतान के जन्मे में बहुत पीड़ा करब तू अपनी आदमी से आसरा करबू औरी उ तोहरी पर अधिकार रखी हैं। परमेश्वर आदमी से कहले तू अपनी औरत को सुनला ह औरी हमार बात के ना मल्ला ह यही से जमीन
श्रापित हो गईल बा औरी तोहके अनाज उगावे में बहुत परिश्रम करे के पड़ी। अब तू मर जाइबा औरी तोहार शरीर माटी में मिल जाई। उ आदमी अपनी मेहरारू का नाम हवा रखले, जेकर मतलब बाकी जीवन देवे वाली, काहे से कि उ सब जातिन के माई हुई हैं। औरी परमेश्वर आदम औरी हवा के जानवरन के खाल से बनल कपड़ा पहनावले। फिर परमेश्वर कहले, अब भलाई औरी बुराई के जनला से आदमी हमारी बराबर हो गईल बा, यही से उ लोगन के जीवन के पेड़ का फल खाए नइखे देवे के कि उ हमेशा खातिर जिंदा रह। यही से परमेश्वर आदम औरी हवा के ओ बगीचा से बाहर निकाल दिहले औरी परमेश्वर केहू के भी ओ जीवन के पेड़ का फल खाए से रोके खातिर ओ बगीचा के दुआरी पर शक्तिशाली स्वर्गदूत रख दिहले। उत्पत्ति अध्याय 3 से एगो बाइबिल का हिस्सा।